साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पटेल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स थर्ड ईयर के लिए जो आपका फर्स्ट पेपर है जिसको हम लोग कहते हैं एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी उच्चतर आर्थिक सिद्धांत माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस अन्य अन्य नामों से जाना जाता है, तो उसका जो पहला यूनिट है, पहला यूनिट का जो हमने पहला टॉपिक का पहला लेक्चर बना दिया अपूर्ण प्रतियोगिता का सिद्धांत, जिसका आपको लेक्चर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट के, जा करके वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरी बात है कि आपको आज हम बताने वाले हैं सेकंड टॉपिक पहले यूनिट का द्वयाधिकार। द्वयाधिकार के तहत आपको बताएंगे कूर्नो और बर्टन। कूर्नो और बर्टन को भी मैं बताने वाला हूँ क्योंकि कूर्नो और बर्टन द्वयाधिकार डियोपॉली के बाद उनके जो सिद्धांत हैं वो समझाएंगे। और आपसे आशा करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझ कर जाएंगे आज द्वयाधिकार क्या है और उसके अलावा कूर्नो और बर्टन का जो मॉडल है वो क्या है। और एक बात और है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से लगातार आपका इकोनॉमिक्स के हर एक पेपर भी ये थर्ड ईयर वालों को लगातार लेक्चर अपलोड होगा और नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे आपके लिए, वो भी टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग उसका चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा जाकर के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए द्वयाधिकार क्या है। द्वयाधिकार प्रतियोगिता बाजार की ऐसी स्थिति है, ध्यान दीजिएगा, द्वयाधिकार प्रतियोगिता बाजार की ऐसी स्थिति है जिसमें एक ही वस्तु केवल दो ही विक्रेता उत्पादक होते हैं, जिसमें केवल एक ही वस्तु के केवल दो ही विक्रेता उत्पादक होते हैं। यह फर्म चाहे आपस में कीमत का समझौता कर ले या अधिक लाभ कमा सकते हैं। इन फर्मों का पूरे बाजार पर नियंत्रण होता है। एक प्रकार से यदि आप इसको स्पष्ट तरीके से न समझे हों तो हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि द्वयाधिकार क्या है। ध्यान दीजिएगा, द्वयाधिकार जो है अल्पाधिकार सिद्धांत का वह पक्ष है, अल्पाधिकार सिद्धांत का वह पक्ष है जिसमें केवल दो विक्रेता होते हैं, दोनों विक्रेता पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और दोनों में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता है और उनके बीच समझौता नहीं होता, फिर भी एक कीमत पर उत्पादन में दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। और आपको बता दें, हो सकता है ऐसी प्रतिक्रिया आगे भी चलती रहे और चलती जाए, फिर विक्रेता मान ले कि उसके कार्यों पर दूसरे मतलब प्रभाव जो है दूसरे का ना पड़े, पड़ेगा ही नहीं। यद्यपि विक्रेता अपनी नीति के अनुसार दूसरे विक्रेता की नीति को उसकी नीति के अपनी नीति का प्रभाव को ना ध्यान में रख करके कीमत स्तर को बढ़ा घटा देता है। इस प्रकार से द्वयाधिकार को हम समझेंगे और उसकी कीमत के कारण जो प्रतिद्वंदी विक्रेता होता है उसकी नीति पर प्रभाव ना पड़े, ना ही उसके परस्पर निर्भर को छोड़कर अपने द्वयाधिकार पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार से कुछ द्वयाधिकार की बातें हम आपको बताए हैं और आप यदि शॉर्ट टर्म में शॉर्ट बात में यदि द्वयाधिकार का परिभाषा समझना चाहते हैं तो मैंने शुरू में जो बताया आपको कि द्वयाधिकार किसे कहेंगे, द्वयाधिकार प्रतियोगिता बाजार की ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक वस्तु के केवल दो ही विक्रेता या उत्पादक होते हैं या फर्म चाहे तो आपस में कीमत का समझौता कर लें या अधिक लाभ कमा सकते हैं। इन फर्मों पर पूरे बाजार पर नियंत्रण होता है। ये हुआ। अब हम डायरेक्ट कूर्नो की बात पर आते हैं। इसी के संबंध में कूर्नो मॉडल आता है। कूर्नो मॉडल, कूर्नो पहले ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 1838 ईस्वी में द्वयाधिकार समस्या का निश्चित हल किया। निश्चित हल सबसे पहले, अभी आप बर्टन का भी मॉडल जब जानेंगे तो उन्होंने भी इस समस्या का निश्चित हल बताया है, लेकिन पहले अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो कूर्नो हैं। कूर्नो पहले ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने द्वयाधिकार मॉडल का पहली बार समस्या का अपना मॉडल दिया, उन्होंने इसका हल दिया और उन्होंने इसे दो फर्मों के साथ, इन्होंने कहा कि दो फर्में ए और बी द्वारा साथ साथ स्थिति दो खनिज जली झरनों के पानी निकालने के उदाहरण से दिया है। इन्होंने जो कूर्नो हैं, कूर्नो दो फर्म ए और बी द्वारा साथ साथ स्थिति में दो खनिज जल झरनों से पानी निकालने का उदाहरण दिया है। अब इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं समझ लीजिए, उसके बाद आप
चलिए इसके इनके जो फिगर है और इनका जो मॉडल है उसको समझिए। और आपको एक बात बता देना चाहते हैं, वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तभी इस वीडियो का आनंद लेकर के जाएंगे, और कूर्नो और बर्टन जैसा मैं समझा दूंगा वैसा कहीं समझ नहीं सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा भरोसा है, क्योंकि मैं आज उस तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ जिस स्तर से आपके माइंड में बातें चली जाएँ। देखिए, इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता निम्न है। पहला, दो स्वतंत्र विक्रेता होंगे। दूसरा, समरूप वस्तुएं होंगी। एक ही रूप की वस्तुएं होंगी, एक ही प्रकार की वस्तुएं होंगी, दो स्वतंत्र विक्रेता होंगे मार्केट में। और तीसरी प्रमुख विशेषता है कि उत्पादन लागत शून्य होगा। और चौथी प्रमुख विशेषता है, दोनों का पूर्ण विक्रय आवश्यक है और क्रेताओं की अधिक संख्या होगी। दोनों फर्मों की समान लागत समान मांग होगी और नई फर्मों का प्रवेश बंद होगा और प्रत्येक विक्रेता अधिकतम शुद्ध अथवा लाभ के लिए काम करता है। इस प्रकार से आप इनकी प्रमुख विशेषताओं को जान गए और स्क्रीन पर आपको इनका फिगर दिख रहा है। अब इस फिगर को आपको हम समझाने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे आपको हम अब कूर्नो का जो है फिगर जो है कूर्नो का मॉडल का उसको समझा देते हैं। तो आप लोग फिगर पर फोकस करिएगा, मैं जिस भी बिंदु का नाम लूँगा उस बिंदु पर डायरेक्ट आप फोकस करिएगा। सबसे पहले आपको इस फिगर में बता दें, ए बी दो फर्म हैं जो कि खनिज जल झरनों से निकलते हैं। उनका बाजार मांग वक्र डी डी वन है। सबसे पहले उनका बाजार मांग वक्र क्या है, डी डी वन है दोनों फर्मों का। और सीमांत मांग वक्र एम आर वन है, सीमांत मांग वक्र एम आर वन है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या करती हैं, सीमांत लागतें शून्य मान लीजिए, सीमांत जो लागत है उसे शून्य मान लीजिए। और फर्म ए शुरू में क्या कर रही है, उत्पादन अकेली उत्पादन कर रही है। ऐसी स्थिति में जब इसका एम आर वन वक्र बिंदु ए पर एम सी वक्र के बराबर होता है, इस स्थिति में क्या होता है, जब फर्म ए मार्केट में अकेली उत्पादन करने वाली फर्म है, तो ऐसी स्थिति में जब इसका एम आर वन वक्र बिंदु ए पर एम सी वक्र के बराबर होता है, ये स्थिति रहती है। और आपको बता दें, अब क्या होगा, आपका एक मिनट देखिए, आपको फिगर दिख रहा होगा। देखिए, तो क्या होगा, ओ ए बराबर एक बटा दो ओ डी वन होगा, क्योंकि देखिए ओ डी वन ये इतना लंबा है, ओ यो इसका आधा है, तो हम कहेंगे ओ ए बराबर एक बटा दो ओ डी वन। और वही स्थिति पर आप कह सकते हैं ए एस बराबर ओ पी, ए एस ये देखिए ऊपर खींच रहे लाइन, ए एस बराबर इधर ओ पी, ये दोनों एक बराबर हैं, इस एकाधिकार कीमत लेती है। इस प्रकार वह क्या करती है, ए एस बराबर ओ पी एकाधिकार कीमत लेती है और ओ ए एस पी एकाधिकार लाभ प्राप्त करती है। ए फर्म की बात कर रहे हैं, ए फर्म ओ ए बराबर एक बटा दो ओ डी वन है, वह ए एस बराबर ओ पी एकाधिकार कर रहा है, ए एस बराबर ओ पी एकाधिकार कर रहा है और ओ ए और एस पी एकाधिकार लाभ प्राप्त कर रहा, ओ ए एस पी एकाधिकार जो है लाभ प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार जब क्या करते हैं फर्म बी, अब देखिए फर्म बी इस मार्केट में जब प्रवेश करती है तो क्या होता है, फर्म बी बाज़ार में प्रवेश करती है, वह आशा करती है कि फर्म ए अपना उत्पादन स्तर नहीं बदलेगी। वह इस आशा और इस उम्मीद के साथ मार्केट में आती है कि फर्म ए अपना उत्पादन स्तर नहीं बदलेगी, इसलिए वह मांग वक्र एस डी वन मान लेता है। वो क्या करता है, मांग वक्र एस डी वन मान अपना मांग वक्र मानती है, एस डी वन को अपना मांग वक्र मान लेती है। फर्म बी यह मान लेता है कि फर्म ए अपना मांग अपना क्या कहते हैं स्तर नहीं बदलेगी, उत्पादन स्तर नहीं बदलेगी, इसलिए वह एस डी वन को अपना मांग वक्र मानती है। इसका सीमांत जो आगम वक्र होता है वो एम आर टू हो जाता है, ये देखिए सीमांत आगम वक्र एम आर टू हो जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है, एम सी समांतर रेखा होती बिंदु बी पर काटती है और अतः बी जी बराबर ओ पी वन हो जाता है। अब देखिए बी जी बराबर ओ पी वन हो गया, ये देखिए बी जी बराबर ओ पी वन हो गया। जब बी जी बराबर ओ पी वन कीमत पर ए बी मात्रा एक बटा दो ए डी वन बराबर बी डी वन हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, अतः वह बी जी बराबर ओ पी वन हो गई कीमत पर, बी जी बराबर ओ पी वन कीमत पर ए बी मात्रा एक बटा दो ए डी वन, एक बटा दो ए डी वन कैसे हो रहा है, देखिए AD1 है, AD1 इतना लंबा है और इसका एक बटा दो कर देंगे तो BD1 हो जाएगा, ये BD1 तक लीजिए, तो
एक बटा दो ए डी वन बराबर बी डी वन बेचती है फर्म बी, इसलिए बी जी टी ए, अब देखिए बी जी टी ए, बी जी टी ए लाभ कमाने की आशा करती है, कौन? बी फर्म। इस प्रकार बी फर्म अपनी उम्मीद के साथ जब आती है तो फर्म ए को यह मालूम पड़ता है कि बी के प्रवेश से कीमत ओ पी को कम करके ओ पी वन हो गई है। अब जब फर्म ए को पता चलती है, ये कुरनो कह रहे हैं, कुरने का मानना है कि फर्म ए को यह मालूम पड़ता है कि बी का प्रवेश से कीमत ओ पी से कम होकर के ओ पी वन हो गई है। पहले कीमत क्या थी? ओ पी थी, अब फर्म बी के प्रवेश से कीमत क्या हो गई है? ओ पी वन हो गई है। इस प्रकार क्या होता है? ओ पी वन हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप संभावित लाभ गिर कर ओ पी टी ए हो जाती है। अब जब संभावित लाभ गिर करके ओ पी टी ए हो जाती है, ध्यान दीजिए ओ पी टी ए कैसी, ये देखिए ओ पी टी ए, ओ पी टी ए, ये ओ पी टी ए, ये दिख रहा है, संभावित लाभ क्या हो जाता है? ओ पी टी ए हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह अपनी कीमत और उत्पादन का समायोजन करने में प्रयत्न करती है और यह मानकर कि फर्म बी वही मात्रा बी डी वन बेचती रहेगी, और वह क्या मान लेता है कि फर्म बी वही मात्रा, अब फर्म ए भी वही गलती कर रहा है, कुरनो कह रहे हैं, कुरनो गलती नहीं निकाल रहे हैं, कुरनो का यह मानना है। लेकिन देखा जाए तो फर्म बी क्या कह, फर्म ए जो, फर्म बी जिस सोच, जिस माइंड सेट के हिसाब से वह फर्म मतलब मार्केट में प्रवेश करती है, उसी के हिसाब से फर्म ए क्या करती है? ओ पी टी ए हो जाता है। जब ऐसी स्थिति में वह अपनी कीमत का उत्पादन समायोजन करने पर प्रयत्न करती है और यह मान लेती है फर्म ए कि फर्म बी वही कीमत मात्रा बी डी वन पर बेचती रहेगी और फर्म ए ओ बी का आधा बेचेगी। इसी प्रकार इसकी मात्रा ओ ए बराबर एक बटा दो ओ बी हो जाती है। ओ ए बराबर क्या हो जाता है? एक बटा दो ओ बी हो जाता है। ओ ए बराबर एक बटा दो ओ बी हो जाता है। अब क्या होगा? इस प्रकार से वो क्या करता है, एक बटा दो ओ बी की कीमत को बढ़ा देती है। ए के उत्पादन में कमी के होने के कारण, जब ए का उत्पादन कम हो गया अब बी के फर्म प्रवेश होने से, तो ए के उत्पादन कमी होने के कारण बी प्रतिक्रिया करती है। अब फिर बी प्रतिक्रिया करेगी और अपने उत्पादन को एक बटा दो बढ़ा देती है और कीमत स्तर गिरा देती है। अब कीमतें गिरा करके उत्पादन बढ़ा दे रही है, ध्यान दीजिएगा फर्म बी क्या प्रतिक्रिया कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अब कीमत बढ़ने लगा और बी का प्रतिक्रिया द्वारा अपने उत्पादन को बढ़ाना, जिसमें कीमत को कम होने से संतुलन के कीमत में ओ पी टू आ जाएगी। जब ओ पी टू आ जाएगी तो इस प्रकार कीमत का जो खनिज जल होगा वह कुल उत्पादन का ओ एफ हो जाता है। अब यहाँ कुल उत्पादन का ओ एफ हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा ओ एफ हो जा रहा है। इस प्रकार ओ एफ हो जाता है, स्पष्ट होता है कि प्रत्येक बाजार मांग वक्र का एक बटा तीन भाग कीमत बेचती है, अर्थात ए फर्म ओ सी और बी फर्म सी एफ बेचती है। अंततः इनका निष्कर्ष निकलता है अतः कि स्पष्ट होता है प्रत्येक बाजार मांग पर एक बटा तीन भाग बेचती है, अर्थात ए फर्म क्या कर रही है, ओ सी बेच रही है। अब पहली वाली फर्म जो है ए ओ सी बेच रही है और बी फर्म सी एफ बेच रही है। बी फर्म क्या कर रही है, सी एफ बेच रही है। इस प्रकार से दोनों फर्में बेचने लगती हैं और कहा जाता है कि ए का लाभ ओ सी एल पी टू होता है, ओ सी एल पी टू होने लगा और बी फर्म का क्या कहते हैं होने लगा, बी फर्म सी एफ आर एल होने लगा। बी फर्म क्या हो गया, सी एफ और इधर आर एल होने लगा। इस प्रकार से लाभ कमाने लगी ए फर्म ओ सी एल पी टू और बी फर्म सी एफ आर एल बेचती है और लाभ कमाती है। दोनों फर्में ओ डी वन का दो बटा तीन भाग हिस्सा बेचती हैं, ओ डी वन का दो बटा तीन भाग हिस्सा दोनों फर्में बेचने लगती हैं। यही रहा कुरनो का मॉडल। अब आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी क्योंकि इसको मैंने एक्सप्लेन किया और आपको समझाने का प्रयास किया और फिगर में आपको ध्यानपूर्वक समझ नहीं आ रहा होगा, इस वजह से
मैं इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको नोट्स को जब पढ़ेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। कूर्नो का मॉडल यहीं समाप्त होता है, आप बर्टन का मॉडल समझाते हैं। बर्टन का मॉडल बहुत ईजी है साथियों, बर्टन का मॉडल समझने में आपको समय नहीं लगेगा। वीडियो में यदि अभी तक घर बनाया है तो बर्टन मॉडल पढ़ के आपको मज़ा आ जाएगा। बेहतरीन तरीके से बर्टन मॉडल समझाने वाले हैं। बर्टन मॉडल अब इसी द्वैधिकार पर बर्टन ने मॉडल दिया अपना, और बर्टन ने कूर्नो की इस बात पर घोर आलोचना की और द्वैधिकार फर्म की अपनी प्रतिद्वंदी फर्म की पूर्ति को स्थिर मानती है, और इस प्रकार से बर्टन अपना मॉडल देते हैं। बर्टन क्या करते हैं, कूर्नो की बात, कूर्नो की मॉडल, कूर्नो की आलोचना करते हैं कुल मिलाकर के। तो ये कहते हैं कि एक द्वैधिकार फर्म अपनी प्रतिद्वंदी फर्म की पूर्ति की स्थिति मानती है, इससे विपरीत उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया और प्रत्येक विक्रेता अपनी प्रतिद्वंदी की कीमत को स्थिर मानता है। इस प्रकार से इनका मॉडल अब समझिए। मान लीजिए ये कहते हैं मान लीजिए ए और बी दो विक्रेता हैं। पहले ए बाज़ार में प्रवेश करता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। मान लीजिए ये बर्टन का मॉडल बता रहे हैं, मान लीजिए ए और बी दो विक्रेता हैं। पहले ए बाज़ार में प्रवेश करता है और अपने आप को एकाधिकारी मानता है। जब अपने आप को एकाधिकारी मानता है तथा अधिकतम लाभ के लिए वो अपनी वस्तु की कीमत को एकाधिकार स्तर पर निश्चित कर देता है। अब वो तथा लाभ अधिकतम करने के लिए अपनी वस्तु का क्या करता है, कीमत को एकाधिकार स्तर पर निश्चित कर देता है। बर्टन कहते हैं कि मान लीजिए ए और बी दो विक्रेता पहले हैं, जिसमें से ए बाज़ार में प्रवेश करता है। पहले ए बाज़ार में प्रवेश करता है और अपने आप को एकाधिकारी मानता है तथा लाभ अधिकतम करने के लिए अपनी वस्तु की कीमत को एकाधिकार स्तर कर देता है, निश्चित कर देता है। तब बी यह सोचकर प्रवेश करता है, आप ध्यान दीजिएगा, तत्पश्चात बी यह सोचकर प्रवेश करता है, ये बर्टन का मानना है कि बी यह सोचकर प्रवेश करता है कि ए अपनी एकाधिकारी कीमत लेता रहेगा और उत्पादन की कीमत वही मात्रा बेचता रहेगा, और यही सोच के साथ इसीलिए बी अपनी वस्तु की कीमत कम कर देता है। ध्यान दीजिएगा, ये बर्टन कहते हैं कि बी यह सोचकर प्रवेश करता है कि ए अपनी एकाधिकारी कीमत क्या करता है, लेता रहेगा और उत्पादन की वही मात्रा बेचता रहेगा, और इसलिए बी अपनी वस्तु की कीमत कम कर देता है। परिणाम स्वरूप ए के कुछ ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, जब बी प्रवेश करती है बी फॉर्म, तो वह यह मान करके प्रवेश करती है कि ए जो है वह अपनी एकाधिकार कीमत लेता रहेगा और अपने उत्पादन मात्रा वही मात्रा बेचता रहेगा। इसी को सोच करके बी फर्म जब प्रवेश कर रही है और बी क्या कर रही है, अपनी वस्तु का कीमत को कम कर देता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, ए के कुछ ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, जब ए फर्म की कुछ ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो क्या होता है, इस प्रकार वह अब ए क्या करेगा, अब ए यह सोचता है, ये बर्टन का मानना है, अब ए यह सोचता है कि बी यह कीमत लेता रहेगा। अब फिर से वही बात आ गई, अब तक बी यह सोचकर मार्केट में प्रवेश की कि ए जो फर्म जिस कीमत पर अपनी वस्तु को बेच रहा है, जिस उत्पादन स्तर को निश्चित किया है, ए उसी स्तर पर अपना बेचता रहेगा और बी अपनी कीमत को कम करके मार्केट में आकर अपने मतलब बी के ए के ग्राहक को आकर्षित करने लगती है अपने प्राइस को कम करके। अब क्या होता है, ए के कुछ ग्राहक बी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। अब क्या होता है, ए क्या करता है, ए फर्म जो है वो यह सोचता है कि बी अब क्या करेगा, बी अपनी कीमत लेता रहेगा, अपनी कीमत को बी की कीमत के स्तर से कम कर देता है। यही बर्टन का मॉडल है। अब फिर भी बी जो ए था, ए बी की कीमत स्तर को कम करके अपना प्रोडक्ट उससे भी कम करके अपना उत्पादन स्तर घटा करके अपना कीमत स्तर घटा करके बी के विरुद्ध बी के सापेक्ष बी के प्रतिद्वंदी
वह बेचने लगता है, जिससे अब क्या होता है, जिसमें वह बी के कुछ ग्राहकों को फिर अपनी ओर आकर्षित खींच लेता है और इस प्रकार से कीमत की प्रतियोगिता चालू हो जाती है। पहले तो ए फर्म आई मार्केट में और अपनी प्रोडक्ट क्या करी, एकाधिकार मांग के अपने आप को अपनी कीमत को एकाधिकार मान लेता है और अपने उत्पादन स्तर को निश्चित कर लेता है। लेकिन फर्म बी यही गलती सोच करके, यही बात सोच करके फर्म बी प्रवेश करता है और ए को एक निश्चित उत्पादन स्तर मान करके, एक निश्चित मतलब कीमत मान करके अपनी कीमत को कम करके मार्केट में प्रवेश करता है अपनी वस्तु के उत्पादन के साथ और फिर ए के ग्राहक को अपनी ओर खींचता है। और फिर क्या होता है, ए फर्म फिर यह सोचता है कि बी की कीमत अब वही रहेगा और बी अपनी कीमत को लेता रहेगा, अपने स्तर को वही रखेगा। फिर बी के कुछ ग्राहकों को ए अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ए फर्म की कीमत स्तर को घटा देता है, जिससे बी के कुछ ग्राहक फिर ए की ओर आ जाते हैं और फिर क्या होता है, मार्केट में कीमत की पूर्ण प्रतियोगिता स्तर चालू हो जाती है। कहने मतलब मार्केट में इस प्रकार से कीमत प्रतियोगिता चालू हो जाती है। अब क्या होता है, अब बर्टन कहते हैं कि जब तक कि कीमत पूर्ण प्रतियोगिता स्तर तक ना पहुंच जाए, ये तब तक अपने प्राइस को घटाते रहेंगे एक दूसरे से, तब तक जब तक कि ये कीमत प्रतियोगिता स्तर तक पहुंच ना जाए, जब तक ये एक बार कीमत प्रतियोगिता स्तर तक ना पहुंच जाती हो। दोनों में से कोई भी कीमत को कम करना और बढ़ाना नहीं चाहेगा। अंततः इसका परिणाम क्या होगा, दोनों फर्में किसी भी वस्तु की या कीमत या उत्पादन की मात्रा को कम या ज़्यादा नहीं करना चाहेगा। यदि दोनों में से कोई अपनी कीमत को कम कर देता है तो उससे हानि दूसरी को, यदि उनमें से एक प्रतियोगी कीमत स्तर को ऊपर से कीमत बढ़ाता है तो दूसरी और वह अपना समस्त व्यवसाय अपने प्रतिद्वंद्वी के पक्ष में खो देगा, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी कम कीमत कर लेता है। और इसी प्रकार से कम कीमत जब लेता रहेगा तो क्या होगा, बर्टन का ये जो मॉडल है ये कहते हैं कि अब अंततः इस प्रकार से प्रतियोगी कीमत स्थिर हो जाता है और संतुलन प्राप्त कर लेते हैं। दोनों जहां उत्पादन कुल उत्पादन और द्वैधिकार आपस में बराबर बांट लेते हैं, बढ़ जाते हैं, इसी को द्वैधिकार मॉडल कहते हैं, बर्टन का द्वैधिकार मॉडल। कहने का मतलब इनमें अब मार्केट में दोनों का बराबर का हिस्सेदारी हो गई, दोनों प्रतियोगी कीमत स्तर पर संतुलित प्राप्त हो जाते हैं और ओडी दोनों विक्रेताओं ए बी और कीमत अक्ष पर होता है तथा डी ए और डी बी उनके क्रमशः मांग वक्र हैं। इस फिगर में आप अब समझिए, इस फिगर को हम अब तक समझाए हैं आपको, अब तक यही पे आपको हम फिगर समझाए हैं। अब इसके फिगर को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद वीडियो होगा समाप्त, आपका आधा घंटे का वीडियो हो गया है लगभग। तो ध्यान दीजिए कि बर्टन के मॉडल में अब ये फिगर आपको बढ़िया समझ में आएगी। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि विक्रेता ए उत्पादन की अधिकतम मात्रा ओ ए बेच सकता है और बी उत्पादन की अधिकतम मात्रा ओ बी बेच सकता है। इसमें जो ये है कीमत रेखा है, ये बीच वाली रेखा जो है ये कीमत रेखा है और इधर वाली जो रेखा है उत्पादन मात्रा है बी फर्म का और इधर वाली उत्पादन मात्रा ए फर्म का है। अब क्या होता है कि दोनों फर्म की कीमत जो है, ए अपनी कीमत पहले पी करके बेचना शुरू करता है। ध्यान दीजिएगा, फिगर को बस समझिएगा, मैं बोलता जाऊंगा आपको समझाता जाऊंगा। विक्रेता ए उत्पादन की कीमत अधिकतम मात्रा ओ ए बेचता है, विक्रेता ए क्या करता है अपनी उत्पादन का अधिकतम मात्रा ओ ए बेचता है। जब ओ ए बेचता है तो बी उत्पादन की अधिकतम मात्रा ओ बी बेच सकता है, बी उत्पादन की अधिकतम मात्रा ओ बी बेच सकता है। यदि दोनों फर्म अपनी अधिकतम मात्रा बेचना चाहेंगे तो ए ओ ए अधिकतम मात्रा बेच सकता है और बी ओ बी अधिकतम मात्रा बेच सकता है। इसी प्रकार कुल प्रतियोगी उत्पादन ओ ए प्लस ओ बी है, आपको कुल प्रतियोगी उत्पादन ओ ए प्लस ओ बी है, वे एक साथ मिलकर बाजार को बांटना चाहते हैं तो वे क्या करेंगे, ओ पी पर एक बटा दो ओ ए बराबर ओ बी मतलब ओ ए ओ बी बराबर ओ सी ओ ई ओ सी होगा। इस प्रकार से एक बटा दो कर लेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, ओ ए आप देख लीजिए, ओ ए ओ बी बराबर सेम टू सेम
आप देखिए यहाँ पर ओ ए ओ बी बराबर कितना होगा, ओ ए बराबर ओ ई ओ सी, ओ ई ओ सी, देखिए ओ ई ओ सी, इस प्रकार से आप ये दोनों आपस में बराबर कर सकते हैं। मान लीजिए दोनों में कोई समझौता नहीं है, एक पहले से ओ पी कीमत पर और दूसरा ओ ई मात्रा बेच रहा था, पहला वाला क्या कर रहा था, मान रहे हैं बर्टन मान रहे हैं कि पहले से ओ पी कीमत पर, ध्यान दीजिएगा ये ओ पी कीमत पर ओ ई मात्रा बेच रहा है, ये ओ ई मात्रा बेच रहा है। अब क्या होता है, बी यह सोचता है कि ए अपनी कीमत को नहीं बदलेगा, बी क्या सोचता है, फिर से वही बात बता रहे हैं, ओ ए अपनी कीमत को नहीं बदलेगा। अब होता है क्या, ए अपनी कीमत नहीं बदलेगा तो अतः वह क्या करता है, बी बी फर्म अपनी कीमत ओ पी वन निश्चित कर देता है, बी क्या करता है उसके कीमत से घटा करके ओ पी वन अपनी कीमत निश्चित कर देता है, और जब अपनी कीमत निश्चित कर देता है तो ओ एफ मात्रा बेचने लगता है, ओ एफ मात्रा ये बेचने लगता है, जब ओ एफ मात्रा बेचने लगता है और ओ एफ मात्रा बेचने के लिए ए के कुछ ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जब उसके ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो अब क्या होगा, ए विक्रेता अपनी बिक्री को कमी पा करके अपनी कीमत को बी की कीमत ओ पी वन से कम करके ओ पी टू कर लेता है। अब देखिए अब तक बी का कीमत क्या था, ओ पी वन था और मात्रा कितनी थी, ओ एफ मात्रा बेच रहा था, लेकिन ए जब देखता है कि इसके कुछ ग्राहक बी फर्म के पास जा रहे हैं तो ये अपनी कीमत घटा करके, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओ पी वन, ओ पी वन से घटा करके ओ पी टू करके अब कितना मात्रा बेचेगी, ओ जी, ओ जी मात्रा बेचने लगती है, ध्यान दीजिएगा ओ जी मात्रा बेचने लगती है। अब क्या होता है, जब ओ जी मात्रा बेचने लगती है तो अब हम बी क्या करता है, बी कीमत कम कर देता है, अब फिर बी की बी प्रतिक्रिया करती है अपनी, और बी प्रतिक्रिया क्या करती है कि वो ओ पी से प्राइस कम करके ओ पी ओ पी थ्री कर देती है। बी का पहले प्राइस क्या था, बी फर्म का ओ पी वन था, ओ पी वन से घटा करके ओ ए की कीमत जो ओ पी है ओ पी टू है ओ पी टू से भी कर देता है और ओ पी थ्री कर देता है, और ओ पी थ्री करके या क्या करता है, ओ ई मात्रा बेचने लगता है। अब देखिए ओ एच मात्रा बेचने लगता है, ओ ई कह रहे हैं, ओ एच मात्रा बेचने लगता है, और इधर ओ पी टू पे, ओ पी टू पे ओ जी मात्रा फर्म ए बेच रहा है और फर्म बी ओ थ्री पर ओ जी ओ एच मात्रा बेचने लगती है। इस प्रकार से दोनों फर्में एक दूसरे के ग्राहक को आकर्षित करने के लिए अपने प्राइस को कम करते जा रहे हैं, ये बर्टन कहते हैं। अब क्या होता है, ओ एच मात्रा बेच रहा है बी फर्म, ए और बी दोनों की ओर से एक दूसरे के प्रति प्रतियोगिता तब तक जारी रहेगी जब तक ओ ए और ओ बी शून्य प्रतियोगिता कीमत पर बेच नहीं देते। कहने का मतलब शून्य प्रतियोगिता या शून्य प्रतियोगी कीमत पर बेच नहीं देते हैं, बर्टन मॉडल की यह स्थिर संतुलन है जो कि ए अथवा और बी दोनों की किसी भी ओर से कीमत को बढ़ाने की चाल से इस मान्यता पर हानि की संभावना बनी रहती है। बर्टन के इस मॉडल से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि ये कोई भी इन दोनों में से कोई भी फर्म अपनी कीमत को बढ़ाता या घटाता है तो इसका हानि दोनों के ऊपर पड़ेगा, और उसका प्रतिद्वंदी अपनी कीमत को नहीं बढ़ाएगा और दूसरी ओर ए अथवा बी अपनी कीमत को प्रतियोगी कीमत से कम करता रहेगा और तो हानि उठाता रहेगा। अतः दोनों अवस्थाओं में ए तथा बी शून्य प्रतियोगी कीमत पर अधिक अथवा कम कीमत लेने की प्रवृत्ति को नहीं रखेंगे। इस प्रकार से द्वयाधिकार संतुलन स्थिर होता है। अब इनका इसमें यह कहना है कि द्वयाधिकार जो संतुलन है वो स्थिर होता है, और अब क्या होता है कि दोनों एक समय ऐसा आता है कि एक ही प्राइस एक ही उत्पादन स्तर पर बेचने लगते हैं वस्तु को, और मानो कि एक समझौता के प्रकार से ये मार्केट में अपनी वस्तु का सप्लाई करते हैं। इस प्रकार से बर्टन ने कहा ये दोनों एक संतुलन स्तर में आ जाते हैं, और बर्टन का यहीं से प्रभाव खत्म होता है, बर्टन का यहीं से मॉडल ख़त्म होता है। आज हमने आपको पूरा द्वैधिकार और कुर्नो और बर्टन के मॉडल उनके फिगर को बढ़िया विधिवत तरीके से समझा दिया है। इसको जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नोट्स प्रोवाइड करें हैं, वहाँ से आप नोट्स ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।